सेवा सुरक्षा को लेकर पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों ने आज स्थानीय नागरिक अस्पताल से भगत सिंह चौक तक सरकार विरोधी नारे लगाए और प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी सेवा सुरक्षा का नोटिफिकेशन नहीं देती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आज स्थानीय भगत सिंह चौक पर एनएचएम कर्मचारियों ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका और अपना रोष व्यक्त किया। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि शासन व प्रशासन ने आज तक उनके प्रदर्शनकारी साथियों की सुध तक नहीं ली है और न ही उनसे कोई बातचीत की है। आज एनएचएम कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन के दौरान सरकार को जमकर कोसा और कहा कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है और यह भी कहा कि इस वादा खिलाफी का नतीजा मौजूदा सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आज प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांगे, कितने दिन से बैठे हो? जी, हमारा सातवां वेतन लागू किया जाए और हमें सेवा सुरक्षा दी जाए, इसीलिए हम जजर डिस्ट्रिक्ट के सारे कर्मचारी आज 21 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं और नहीं हमारी सरकार कोई सुन रही है और भूख हड़ताल से लगातार बैठे हुए हैं। हमारे प्रशासन का अधिकारी व हमारी सरकार हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं कर रही है, इसलिए बहन जी में बहुत ही जोश है और आज अनिल विज का पुतला फूंका गया है। बहन जी, इससे अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हमें आगे भी यही जारी रखेंगे हमारा धरना, और हम गरीब पर से बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक हमारी सेवा सुरक्षा लागू नहीं की जाएगी। क्या अभी तक आपकी प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? क्या कोई की गई है? बातचीत हुई नहीं, हमारे भूख हड़ताल साथियों को यहाँ के कोई संभाल रहा है, नहीं उनकी कोई जांच हो रही है, कोई भी हमें ये नहीं कह रहा भाई आप क्यों बैठे हो, हमारी कोई मांग ही नहीं सुन रहा और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी सेवा सुरक्षा दी जाए हमें और सातवां वेतन लागू किया जाए। जिस दिन हमें ये मिल जाएंगे हम गरीब से उठने के लिए तैयार है, अगर ये नहीं मांगी जाए तो हम अपने तरीके से नहीं उठेंगे और लगातार हम अपने झज्जर से विजेंद्र के साथ गौरव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।